बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक विशेष अभियान सम्मान चलाने का फैसला किया है। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के बीच यद्यपि महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या 15% कम हुई है और गृह मंत्रालय ने जो अभियान चलाया उसके कारण हम बेटियों को वापस भी ला पाए ढूंढ के, लेकिन अभी भी कई बेटियों को ढूंढा जाना शेष है। तो एक तो उस स्तर पर हमारा अभियान चलेगा, बेटी कहीं भी हो हम लेके आएंगे विशेष अभियान, लेकिन उसके साथ साथ समाज को जागरूक करने का अभियान भी, समाज में बेटियों के प्रति सम्मान और अनुकूल वातावरण बने, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं रोकने समाज स्वयं भी आगे आ पाए, इसके लिए एक सम्मान अभियान ये चल रहा है। आपने देखा इस अभियान की शुभंकर है गुड्डी, जो एक जागरूक बेटी है, और ऐसी घटनाएं जो रोज कई बार फप्तियां कसने की, पीछा करने की, दुपट्टा खींचने की, अश्लील हरकत करने की, ताक झांक करने की, जितने तरह की भी घटनाएं होती है, उन घटनाओं को कैसे निपटा जाना चाहिए, गुड्डी इस मामले में बेटियों को सिखाएगी। कभी भी कोई आ रहा है लिफ्ट के नाम पे चलो और किसी नाम पे चलो, या फिर वीडियो वायरल कर दिया उसके बाद ब्लैकमेल करो, सारी जो ऐसी घटनाएं हैं जो बेटियों की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है, उनके प्रति भी जागरूक करके दृष्टिकोण समाज का क्या रहना चाहिए, बेटी की मानसिकता क्या रहना चाहिए, इसका भी अभियान है। और पुलिस अपनी तरफ से ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमने पहले भी अभियान चलाए, फांसी की सजा का कानून सबसे पहले बलात्कारी जो छोटी बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं मध्य प्रदेश में बना, धर्म स्वातंत्र जो कानून बना है उसका भी जो मुख्य उद्देश्य है, हम बेटियों की जिंदगी तबाह और बर्बाद नहीं होने देंगे। तो कानून बनाने से लेके सजा देने से लेके और समाज को जागरूक करने तक का ये अभियान है। हमने आज ही समीक्षा बैठक की है, गृहमंत्री जी अधिकारी और हम थे, हमने ये तय किया है कि हम एक आउटलाइन बना रहे हैं, बेटी अगर कोई गायब है, अब गायब होने के कई कारण हो सकते हैं, कई बार घर से नाराज होकर भी जाती हैं और तरह की घटनाएं भी होती, कई बार काम के लिए कोई ले जाता है, तो चेकलिस्ट के अनुसार कार्रवाई होगी, चेकलिस्ट बनेगी। परिजन जिसके यहाँ से बेटी गुमी है उसको अधिकार पत्र दिया जाएगा जिसमें पुलिस कौन कौन से काम करेगी विवेचना में उसको स्पष्ट किया गया है, उसका उल्लेख होगा, और बच्चे के परिजनों के साथ थाना प्रभारी को बैठना पड़ेगा, बैठ कर बताना पड़ेगा, क्योंकि कई बार शुरू में सरगर्मी रहती बाद में फिर ढिलाई हो जाती है, और केवल वहीं तक सीमित नहीं रखा, SDOP केस डायरी के साथ परिजन के साथ बैठेंगे, उसकी समय सीमा तय की, फिर SP IG और DGP के स्तर पर भी एक प्रक्रिया हमने तय की है उसका हम पालन करेंगे। ओवरऑल डिपार्टमेंट और गृहमंत्री इस मामले को देखेंगे, और अब बाहर अगर कोई जाए तो एक व्यवस्था हम ऐसा बना रहे हैं काम धंधे के लिए भी कि गांव में जिले के बाहर अगर जाए और अगर प्रदेश से बाहर जाए तो ज़िले में उसकी व्यवस्था भी बन रही है, पूरी आउटलाइन मैंने निर्देश दिए हैं, हम लोग जल्दी बना लेंगे, तो ये पता रहे कि बेटी कहाँ गई है ताकि किसी संकट और मुसीबत में वो आए तो हम उस बेटी को मदद कर सकें। एक नहीं ऐसे अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, सम्मान कार्यक्रम का यही उद्देश्य था, बेटियां समाज में सुरक्षित और सम्मान के साथ रहे, और समाज के साथ मिल के करेंगे क्योंकि मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। तो केवल सरकारी अभियान नहीं, ये समाज का अभियान होगा, मीडिया के मित्रों से भी निवेदन है कि इस अभियान में सहयोग करें। ये एक बहस चलनी चाहिए कि बिटिया के विवाह की उम्र अभी 18 है, क्या पूरी परिपक्वता के लिए बढ़ा के 21 की जानी चाहिए, इसमें भी विचार होना चाहिए। वैसे तो केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी वेबसाइट बंद करवाई, आप जानते हैं, वो मैं अभिनंदन करता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने बहुत ठोस
और कठोर कदम उठाए हैं, क्योंकि फॉरेन फिल्में एक बड़ी समस्या है मानसिकता गड़बड़ाने के लिए, तो उस दिशा में भी क्या किया जा सकता है हम सोच। सीधी में अपराधी सारे पकड़ लिए गए हैं और गिरफ्तार हैं और कठोर से कठोर सजा उनको दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती।